आज तारीख 24 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को जिला धौलपुर तहसील सेपो के कस्बा वसई नवाब में प्रधान गार्डन में आरक्षित कमेटी जिसमें कुशवाहा सैनी माली शाक्य मौर्य अन्य 45 जातियों को लेकर एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सम्मानीय सेपो प्रधान तुलसीराम व पूर्व प्रधान राम हेत जी, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक मुरारी लाल सैनी, प्रदेश संयोजक वासुदेव कुशवाहा व राष्ट्रीय अध्यक्ष नूर सिंह कुशवाहा रही, जिसमें समाज के लिए राजस्थान में 1.5 करोड़ आबादी के अनुसार 12% भागीदारी, जिसमें सामाजिक राजनीतिक शैक्षिक की बात रखी। विशिष्ट अतिथि प्रदेश मुख्य महासचिव बदन सिंह कुशवाहा सहित रघुवीर सैनी व प्रदेश संगठन मंत्री शैलेंद्र कुशवाहा चक्रवर्ती, सम्राट अशोक सेना, जिसने समाज को पूरी ताकत के साथ 12% आरक्षण की मांग रखने की अपील की, जिसमें पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा जी, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूरन सिंह कुशवाहा, रामवीर सरपंच, सुरेश कुशवाहा प्रधान प्रतिनिधि आदि लोग मौजूद रहे। हाँ, धौलपुर आज मेरे पास है आरक्षण कमेटी को लेकर के। अब तुम कहाँ हैं? पूरे प्रदेश से, धौलपुर से हमारे आरक्षण कमेटी के कार्यकर्ता सारे लोग इकट्ठे हुए, पूरे जिले से 8-10 हज़ार की भीड़ में हमने आरक्षण के बारे में सबको बताया। अभी भरतपुर और पूरे राजस्थान में ये अपनी कमेटी काम करेगी। सब समाज को जागर करके हम 12% आरक्षण मांग रहे हैं। शांति रूप तरीके से हमें आरक्षण मिलता है, ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम उस तरीके से आरक्षण, जो क्या निर्णय होगा कमेटी का, उस तरीके से आरक्षण मांगेंगे। धन्यवाद। मैं वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान प्रदेश सह संयोजक। आज हम पूरे राजस्थान प्रदेश से तकरीबन 10,000 की भीड़ में प्रधान गार्डन रामेश जी के गार्डन में नवाब बसी में एकत्रित हुए। हमारी समाज की ओर से मानना है कि हम लोग 12% राजस्थान में निवास करते हैं। जनसंख्या के आधार पर हमें 12% गांधीवादी तरीके से आरक्षण की मांग की है। आज हमारे सभी वक्ताओं ने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को रखते हुए सभी लोगों को समझाया एवं इस बात का विचार किया कि अगर हमें आरक्षण नहीं मिलता है तो हम कुछ भी उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम पूरे राजस्थान में, अभी हमने करौली और भरतपुर को कंट्रोल किया है, आज हमने धौलपुर में पहली मीटिंग सेपो पंचायत समिति में की है, वहाँ तकरीबन 10,000 की भीड़ थी, और इसके बाद में एक मिनी टेलर था, और इसके बाद अब पूरे राजस्थान में हम प्रत्येक SDM लेवल पर तहसील कार्यकारिणियों पर बनाएंगे और प्रत्येक SDM को हम ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय के नाम। अगर इस बात के बारे में भी अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो आने वाले 3 से 4 महीने में एक विशाल कुंभ का आयोजन हम जयपुर में कर सकते हैं, या हम धौलपुर में कर सकते हैं, या कहीं भी हमारी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो ज्ञापन गवर्नमेंट को इन्वाइट करके देंगे। अगर फिर भी हमारी मांग नहीं हो सकती है तो उसके बाद में हम विचार करके जो भी एक्शन करेंगे वो हम निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हमारा गवर्नमेंट से अनुरोध है, अभी हम यहाँ काफिले के साथ SDM महोदय सैपव को ज्ञापन देने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। उसमें हमारी विशेष मांग है कि 12% आरक्षण हमारे बच्चों को नौकरियों में दिया जाए। ये हमारी विशेष तौर से R9 भारत के लिए वीरेंद्र सविता की रिपोर्ट, बसई नवाब, धौलपुर से।